झूलो झूलो पारणिया मा लाल छे आलर रहो गावो मर लाल है झूलावो झूलो झूलो पारणिया मा लाल छे। अरे कुंवर मारो नानो, अरे कुंवर मारो नानो, ए पाटले पेसी नायो झूलो झूलो पारणिया मा लाल छे। અરે કુંવર મારો નાનો, એ પાટલે બેસી નાયો ઝૂલો ઝૂલો પરાણિયામાં લાલ છે। કુંવર મારો રસિયો, અરે કુંવર મારો રસિયો, એ મધુર મધુર હસિયો કુંવર મારો રસિયો, એ મધુર મધુર હસિયો ઝૂલો ઝૂલો પારણિયામાં લાલ રે ઝૂલો ઝૂલો પારણિયામાં લાલ રે પારણિયામાં લાલ રે પારણિયામાં લાલ રે। બોલસી જીરાલા પારસીનાથ ભગવાન કી જય। ઓર અબ યહાં સે ઇન્દ્ર મહારાજ ઓર ઇન્દ્રાણી જી કી ઓર સે सोने की चेन पार्ट्स कोर को पहनाई जा रही है। बोलो जी निशासन देव की जय। और अब हमारे जो भुआ भरोसा है उनकी ओर से नीरव निकुंज ठाकुर पार्टी को ₹2100 भुआ भरोसा की ओर से नीरव निकुंज ठाकुर पार्टी को और चिराग ठाकुर को ₹1001 का पुरस्कार। जय हो। और केवल अब 5 मिनट के लिए यहाँ पे पर्दा गिरेगा, लेकिन आपको उठना नहीं है क्योंकि केवल इसके बाद 10 मिनट का प्रभु की पाठशाला का दृश्य है। वैसे तो हम इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट मीडियम में बहुत पढ़े, लेकिन जब तक प्रभु की पाठशाला नहीं देखी तो हमारी पढ़ाई लिखाई पे धूल पड़ी। ऐसे हमारे प्रभु अब यहाँ से वास्ते गास्ते अश्वसेन राजा झूलो रे माता वा माजी राजा आया झूलो रे माता वा माजी राजा आया अने झूलावे इंद्र 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 माजी राजा केवल 5 मिनट के लिए पर्दा गिर रहा है। चाले ठुमक ठुमक चाल चाले ठुमक ठुमक चाल 1 2 3 पाठशाला है पधारे पूरा प्रेम की पाठशाला है पधारे पूरा प्रेम की हो माता बाबा जा। देख रहे हैं कितनी बढ़िया पाठशाला की हमारे जो पंडित जी हैं उनके कितने सारे तो शिष्य हैं और उनकी कुटीर है जहाँ पे सरस्वती माता की मूर्त लगाई हुई है। और आज वास्ते गास्ते इस पाठशाला धन्य हो गई है क्योंकि हमें पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं अश्वसेन महाराजा वामा माता। वास्ते गास्ते अपने लाडले राजकुमार को लेकर नगरी की सबसे अच्छी और जहाँ पे विद्या ज्ञान आदि भरपूर मिलता हो ऐसी पाठशाला में उनको लेके आए हैं। और यहाँ के पंडित जी भी बहुत विद्वान हैं। ये पंडित जी कैसे हैं? पंडित जी हो ये है पंडित जी पंडित जी पंडित जी ये है पंडित जी हाँ पाठशाला के ये है ज्ञानी गुरु जी विद्या विशारद आवे रे पंडित जी वो आवे रे पंडित जी। ऐसे हमारे पंडित जी भी आज राजकुमार को देखकर अति प्रसन्न हो चुके हैं। और उसी समय जब प्रभु को पाठशाला ले जाया जाता है इंद्र महाराज का इंद्रासन कंपायमान हो उठता है और इंद्र महाराज प्रभु का यह अविनय रोकने के लिए ये कंपाई मान का
कारण था कि तीन ज्ञान के धनी मति श्रुति और अवधि ज्ञान के धनी ऐसे हमारे राजकुमार को पढ़ने ले जाना यह सार्थक काम नहीं है। जैसे माँ के सामने मामला का वर्णन करना, इस तरह से प्रभु को पाठशाला ले जाते देखकर यह अभिनय रोकने के लिए सौधर्म इंद्र महाराजा बस थोड़ी मिनट में स्वर्ग लोक से ब्राह्मण का रूप धरकर प्रभु की पाठशाला में आएंगे, क्योंकि उनसे यह अभिनय अविवेक देखा नहीं गया। और तब तक हम चलते प्रभु की पाठशाला में, पंडित जी और महाराजा क्या संवाद कर रहे हैं। बोलो श्री अश्वसेन महाराज की जय, बोलो श्री पार्श्व कुमार की जय। बालको अब तुम सब अत्यंत सावधान हो जाओ, देखो श्री पार्श्व कुमार यहाँ आ गए हैं। इनका कितना अनुपम रूप है, कैसी शांत मुख मृदा और कैसी विलक्षण कांति है। और राजा भी कुछ कहना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए कहीं हमारा कुमार किसी बाबत में कच्चा ना रह जाए, पीछे न पड़ जाए, उसे बहुत 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 होशियार बना देना। आप बिल्कुल चिंता मत करो राजा जी, राजकुमार तो इतना पढ़ेगा कि सारे आलम के पंडित दंग रह जाएंगे। हम राजकुमार को हमसे भी सवाया पंडित बना देंगे। हम धन्य हुए महाराज। और अचानक एक अनजानी सी व्यक्ति इस पाठशाला में आ जाती है। ब्राह्मण रूपधारी यह अनजानी व्यक्ति कौन है यह तो शायद इस पाठशाला में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन यह ब्राह्मण रूपधारी है सौधर्म देवलोक के राजा इंद्र महाराजा, जो कि पाठशाला में आकर प्रथम तो पंडित के योग्य आसन पर प्रभु को विराजित करते हैं और फिर प्रभु के सामने बैठ जाते हैं और पंडित के मन की शंका को दूर करने के लिए पंडित के मन के जो जो भी संशय शंका संदेह थे वो पंडित के मन के संशय को इंद्र महाराज अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और प्रश्न के रूप में प्रभु पार्श के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह देखकर पंडित जी बोल उठते हैं, अरे अरे इतने लंबे समय से शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद भी जिस संदेह का निराकरण मेरे से नहीं हो सका, देखो, देखो, उस सब का निराकरण सब पार्श कुमार को देखो, उसका निराकरण ये छोटा सा बालक कैसे देगा। सभी विचार मग्न हो गए हैं कि इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर यह छोटे से राजकुमार कैसे देंगे। और उसी समय प्रभु की आवाज कहीं से सुनाई देती है। लोग विचार मग्न हो गए हैं कि इतने कठिन प्रश्न के उत्तर हमारे यह नन्हे से राजकुमार कैसे देंगे, जो पंडित के मन की शंका है इतने सालों से दूर नहीं हुई वह राजकुमार कैसे बताएंगे। पर उतने में आवाज आती है हमारे राजकुमार की, हे भाग्यशाली, शरीर व आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। मरने पर शरीर पांच भूतों में विलीन हो जाता है, जबकि आत्मा नहीं। अन्नो जीवो अन्न शरीरम, जीव अन्न है, शरीर अन्न है, दोनों का पृथक अस्तित्व है। जीव शरीर रूपी महल में निवास करता है, जैसे महल में रहने वाला राजा स्वयं महल नहीं है, महल पृथक है, इसी प्रकार शरीर में रहने वाला जीव भी स्वयं शरीर नहीं है, शरीर से पृथक है। और ऐसे कठिन प्रश्न के इतने सभी को चकचोर कर दे उत्तर को सुनकर सभी विचार मग्न हो गए हैं और मन ही मन आनंदित हो चुके हैं। इसी तरह इंद्र महाराज ने पंडित के मन की जो जो शंका संदेह थे सभी अवधि ज्ञान से प्रश्न के रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत किए और प्रभु ने बड़ी कुशलता से उन सबके उत्तर दिए। और प्रभु के यह उत्तर सुनकर पंडित जी भी कह उठे, ओहो श्री पार्श्व कुमार इतने बालक होते हुए भी इतनी विद्या
कहाँ से ग्रहण करके आए। बचपन से आज तक जिन जिन संशयों का निराकरण बड़े बड़े पंडित ना कर सके, उन सब का निराकरण आज इसने बालक होते हुए भी किया है। इसकी गंभीरता सागर के समान है। शरद ऋतु में जैसे मेघ गरजता तो है फिर भी बरसता नहीं, और वर्षा ऋतु में मेघ बिना गरजे ही बरस जाता है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बात करने वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता और नहीं बोलने वाला आदमी धारा हुआ काम पूरा कर सकता है। यह संसार पदार्थों के आडंबर से भरा हुआ है, परंतु सारभूत बातों परंतु सारभूत पदार्थों में आडंबर नहीं होता, क्योंकि जो आवाज़ कांसे के बर्तन में होती है वो आवाज़ सोने के बर्तन में नहीं होती। इंद्र महाराजा, और इस प्रकार पंडित के संदेह को अवधि ज्ञान से जानकर प्रश्न के रूप में प्रभु को पूछा, और प्रभु ने बड़ी कुशलता से उसके उत्तरों को जवाब में डाला। और यह सुनकर अब इंद्र महाराजा पंडित से कुछ कहना चाहते हैं। इंद्र महाराजा पंडित जी से, इंद्र महाराज अपना बोलने का स्वर्ग लोक में भूल के आए हैं, कोई वादा नहीं, उनकी ओर से हम कह देते हैं। इंद्र महाराज कह रहे हैं कि आप इस बालक को साधारण मनुष्य ना समझें, यह तो त्रिलोक पूजनीय देवाधिदेव होने वाले हैं, तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं, तो इनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। और पंडित जी की आँखें खोल दी हैं, पंडित जी भी इंद्र महाराज से क्षमा मांगते हैं। क्षमा करो मेरे नाथ, मेरा अविनय क्षमा करो। और यहाँ पे प्रभु की पाठशाला का दृश्य पूर्ण हो रहा है, और जितने भी बालक हैं उनसे निवेदन है कि आपको जो पास दिए हैं वो कार्यालय में लेके जाइए, और वहाँ से जो स्कूल बैग आदि की संघ की ओर से व्यवस्था की है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको देंगे तो यहाँ पे असुविधा होगी। हमारे पंडित जी के पास आ गई है बैग, इसी प्रकार की बैग आपको मिलेगी। और हमारे और कल इसी वाराणसी नगरी में कुमार पाश का लग्न महोत्सव होगा, तो सभी से निवेदन है कि समय से ठीक 15 मिनट पहले आ जाना। प्रभु का लग्न महोत्सव और राज्याभिषेक और पाठशाला के बालकों को महाराजा की ओर से 5000 रुपया सबके भाग में। जन्म थयो प्रभु पार्श्वनो, जगत ना तारण हार, साता पाम्या सौ जीवो, जय जय पार्श्व कुमार, गुरु सदान परम तारक शासन के करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। कहानी सदियों से भी पुरानी, भैया मुझे जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, हो जन्म कल्याणक।
बोलो श्री पाश कुमार की। और कल यही रणमंच पे वाराणसी नगरी में प्रभु का लग्न महोत्सव और राज्याभिषेक होगा। और आज शाम को
Thank you.
मुझे देखना Thank you.
मामा मामी नो मामेरु तारीख 1/5/2006 सवारे